नमस्कार एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं होली के त्योहार के पहले, ये गोलघर की खोआ मंडी ये है यहाँ पर, और काफी यहाँ पर बाजार काफी अच्छा दिखाई दे रहा है लोग, चूंकि होली 26 मार्च को है गोरखपुर में, तो 25 और 26 दोनों दिन का जो बाजार है वो काफी तेज दिखाई दे रहा है, और अलग अलग तरह के खोए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कई वैरायटी के यहाँ पर खोए आपको दिखाई देंगे, लोकल खोआ भी है और जो बाहर से खोए आते हैं कानपुरिया खोआ, वो भी अलग अलग तरह का खोआ आपको इधर का भी ये देख लीजिए आप देख सकते हैं, तमाम तरह के खोए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कलर से इसकी वैरायटी के बारे में आप जान सकते हैं, चूंकि कुछ लोकल खोए होते हैं उनका रंग अलग होता है और बाहर से आने वाले कानपुरिया और अलग अलग तरह के खोए हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए, और हमारे साथ व्यापारी हैं पीताम्बर जी, पीताम्बर जी से जान लेते हैं, ये बताइए किस तरह का बाजार है और क्या लग रहा है इस बार की होली किस तरह की? बाजार बढ़िया है, होली में उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है, खरीदारी जम के कर रहे हैं, खरीदारी ऐसा नहीं है, खोआ बढ़िया व्यापार चल रहा है, दो दिन होने की वजह से और हम लोग को फुर्सत मिल गया, बढ़िया व्यापार हो रहा है, धंधा बढ़िया है तो ठीक है, रेट भी बढ़िया बिक रहा है, खोआ भी बढ़िया बिक रहा है। अच्छा, क्या क्या रेट के खोए हैं? कुछ अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं हमें, तो कलर का क्या वो है? अलग अलग जगहों का अलग अलग कलर खोआ हो जा रहा है, कानपुर का खोआ सफ़ेद आता है वो भी बढ़िया है, बनारस का खोआ आता है, गाजीपुर का खोआ आता है, इसलिए वो हर जगह का अलग अलग कलर का अलग अलग पानी के हिसाब से खोआ है, अलग अलग कलर खोआ हो जाता है, खोआ टोटल खोआ बढ़िया है और रेट भी है, अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, और 320 के ऊपर का खोआ है और 400 तक खोआ आप लोग के पास है। हर बार देखा जाता है प्रशासन का भी जो है आप लोग लगातार जाँच कराते रहते हैं, इस बार भी जांच हुई है और जो शुद्धता है आप लोग किस तरह से उसको आप लोग मेंटेन? प्रशासन का तो हमेशा जांच होता रहता है, इसके पहले भी होली के पहले चार दिन पहले मीटिंग हमारे को हुई, प्रशासन मीटिंग किया था खोआ मंडी में आ करके ही किया था, और गाइडेंस जो है उनके गाइडेंस पे हिसाब से हम लोग कर रहे हैं काम, और छापेमारी तो होता ही रहता है, हुआ भी था, और इसलिए खोआ बढ़िया है, खोआ उनके गाइडेंस में ही चल रहा है, खोआ बढ़िया बिक रहा है। देखिए दो तीन साल से गुणवत्ता वाला खोआ आ रहा है, भाई साहब खरीद भी रहे हैं खोआ, इनसे बात कर लेते, क्या नाम है कहाँ से? पिंटू है गोरखपुर से। कितना आपने खोआ लिया, कौन सा? 3 किलो लिया। कैसा खोआ आपको लग रहा है? ठीक है, तेजी है होली पर। हाँ हाँ, देखिए होली पर तेजी है, और इधर आपको दिखा देते हैं जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, चक कर देख रहे हैं कि किस तरह का खोआ है। सर ये बताइए क्या नाम है और किस तरह इसका बाजार दिख रहा है, रेट खोए के हैं और कितना जो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए उसमें उनमें कितना उत्साह दिख उत्साह मतलब दिख रहा मतलब क्या नहीं समझ पाए हम, कितना उत्साह दिख रहा है, कितना लोग चाव से खरीद? चाव लोग बहुत से खरीद रहे हैं भैया, काफी भीड़ हुई है मंडी में, देख ही रहे हैं आप कितना बढ़िया से बिक रहा है। इधर भी आपको दिखा देते हैं, काफी पुराने यहाँ पर लोग हैं जो खोए के व्यापारी हैं आप देख सकते हैं, और भीड़ आपको ये देखिए बहुत पुराना और बहुत बड़ा ये बाजार है, आप खोए का देख सकते हैं बहुत पुराना और बड़ा बाजार है, और सबसे खास बात यह कि शुद्धता इस बार जो है काफी अच्छी दिखाई दे रही है खोए की, और यही वजह है कि जो खोआ मंडी है वो काफी यहाँ पर भीड़ है, व्यापारी भी यहाँ पर है। बात कर लेते हैं कितने तरह का खोआ है और कितने दाम? हाँ साहब, अरे खोआ 320 का है, 300 का है, 280 का है, नवाबगंज का खोआ है, गाजीपुर का खोआ है, बनारस का है। बड़े अलग अंदाज में आप बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि खोआ भी उतना ही अच्छे अंदाज का? नहीं ठीक है, खोआ कोई शिकायत नहीं है, खोए में कोई शिकायत नहीं है, कस्टमर भी देखिए चक्कर आप देख रहे हैं। बताइए क्या नाम है और कैसा लग रहा है बाजार? नाम हमारा मुनेश कुमार शर्मा है, खोआ लेने आए हैं, अभी चेक कर रहा हूँ मैं, टेस्ट कर इनका खोआ काफी अच्छा है। अच्छा, उत्साह कितना दिख रहा है होली का लोगों के अंदर? उत्साह तो इस बार भरपूर दिख रहा है, कोरोना के बाद जो इस बार होली है बहुत लोग उमंग में है, बहुत मस्त है, और खरीदारी जम की हो रही है। देखिए खरीदारी जम कर हो रही है, खोआ खरीदने के लिए भी लोग यहाँ पर आए हुए दिख रहे हैं, और ये देखिए बाजार आपको दिखा देते हैं, इधर देखिए कुछ युवतियां हैं यहाँ पर खरीद रही हैं खोआ, और चख कर देखना जरूरी होता है, क्योंकि चखने से ही पता चलता है कि किस तरह का खोआ किस तरह का है, क्वालिटी उसकी क्या है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैडम ये बताइए आप लोग खोआ खरीद रहे हैं, कितना बढ़िया और भीड़ कैसी दिखाई दे रही है होली? भीड़ तो काफी है होली का सर, और काफी अच्छा लगता है, ऐसा माहौल मतलब साल में एक बार देखने को मिलता है। आपने क्या कितना खोआ खरीदा, क्या रेट का मिला? हम 1.5 किलो लिए हैं, रेट काफी अच्छा भैया लगा लिए हैं रेट हाईलाइट नहीं कर सकते, इनके कस्टमर टूट जाएंगे। अच्छा ये बताइए आप बताइए कितने अलग अलग तरह का खोआ है, कितना इसका दाम है और कौन कौन सा खोआ है? इनका अलग है, ये 320 रुपए दे रहे हैं, वो 280 रुपए दे रहे हैं, ये आपका इस खोए में अच्छी क्वालिटी होती है,
ये हम परसों भी ले गए थे, फिर आ जाए डेढ़ किलो और ले जाने के लिए कम पड़ गया था। तो आप लेने के लिए आए तो परसों भी आप आए थे, तो बाजार किस तरह का दिख रहा है, भीड़ है? परसों बाजार थोड़ा कम था लेकिन आज बहुत अच्छा बाजार है, आज पूरा भीड़ भी बढ़िया है। देखिए भीड़ दिखाई दे रही है। अब ये बताइए कितनी कैसा बाजार है इस बार खोए का आप लोग? ठीक है बाजार। कितनी पुरानी है मंडी है ये? कम से कम 30-40 साल पुरानी है। अभी अभी कितने कितने रेट का खोआ आपके? 320 रुपया है इस समय। कस्टमर आ रहे हैं? हाँ कस्टमर आ रहे हैं। देखिए ये खोए का बाजार है और लोगों के अंदर उत्साह भी है, चूंकि होली का पर्व है। पूरे देश में 25 मार्च को होली मनाई जा रही है लेकिन गोरखपुर में 26 मार्च को होली है, इसलिए उत्साह लोगों का दुगना हो गया है और लोग यहाँ पर जमकर खोआ खरीदने के लिए आ रहे हैं। चूंकि बहुत पुरानी ये खोआ मंडी है और दो दिन होली होने की वजह से लोगों के अंदर खरीदारी से लेके रंगों के इस पर्व का उल्लास भी दिखाई दे रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।